वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे फिश बाय प्रोडक्ट। वैसे तो आप लोग फिश को फिश फ्राई के रूप में खाते होगे, फिश की करी खाते होगे और बहुत सारी चीज़ें बना के खाते होगे। अब फिश के कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी हम अपने टॉपिक में देखेंगे। तो फिश के जो कुछ बाय प्रोडक्ट हैं, जैसे कि फिश ऑयल हो गया, फिश की जो चमड़ी है उसका यूज होता है, और फिश के मैन्यूर्स भी बनाए जाते हैं खाद के रूप में। तो इस तरीके से बहुत सारे बाय प्रोडक्ट हैं। तो चलिए उसमें से कुछ को हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला बाय प्रोडक्ट हमारा है वो है फिश ऑयल। तो फिश ऑयल एक्ट एज ए व्हीकल फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से थे? एडिक यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है जो आपको फिश से ऑब्टेन हो जाएगा। और इसेंशियल सोर्स है, फिश एक सोर्स है किसके लिए? फैटी एसिड का सोर्स है। तो फैटी एसिड आपको मिल जाएगा फिश से, ठीक है। फॉर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो फैटी एसिड आपको जब मिल रहा है वो आपके जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर बनाने में, उसके मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन में और उसके फंक्शनिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। तो फिश ऑयल कितने टाइप के हैं? तो जो फर्स्ट फिश ऑयल है वह कहाँ से ऑप्टेन किया जा रहा है उसके बेसिस पे बताया गया है, कहाँ से ऑप्टेन किया जा रहा है, ठीक है। तो सोर्स के बेसिस पे बताया जा रहा है किस बॉडी पार्ट से ऑप्टेन किया जा रहा है। तो फर्स्ट है फिश लीवर ऑयल, यानी कि ये वाला फर्स्ट ऑयल लीवर वाले पोर्शन से ऑप्टेन किया जाता है। और सेकेंड है फिश बॉडी ऑयल, तो बॉडी वाले पोर्शन से ऑप्टेन किया जा रहा है। तो फिश लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल फिश के बस लीवर वाले पोर्शन से। अब इसमें भी तीन डिवीजन कर दिया गया है, फिश लीवर ऑयल में तीन डिवीजन कर दिया गया है। फर्स्ट है वेल लीवर ऑयल, वेल कोट लीवर ऑयल, और एक है लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन लीवर ऑयल, एंड उसके बाद से थर्ड है ब्राउन लीवर ऑयल, ब्राउन लीवर ऑयल। जो आपका फर्स्ट है वेल लीवर कोट ऑयल जो है ये जिंदा फिश से ऑप्टेन किया जाता है। जैसे फिश को तुरंत पकड़ा गया है और वो जिंदा है, तो जिंदे ही उसकी बॉडी में से लीवर निकाल के और लीवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये वाला ऑयल। तो ये आपका मेडिकल पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेडिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट वाला, इसका मेडिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे आपका विटामिन ए और डी ये सब इसके बढ़िया सोर्स है, ठीक है। लाइट ब्राउन जो है ये, और जो लाइट ब्राउन लीवर ऑयल है ये ऑप्टेन किया जाता है डिसइंटीग्रेटेड फिश के लीवर से। जो लीवर का पोर्शन खराब हो गया, विखंडित हो गया, खराब हो गया, उस वाले पोर्शन से उससे ऑप्टेन किया जाता है लाइट वाला। और ये भी मेडिकली इम्पॉर्टेंट है, यानी इसका मेडिकल पर्पज से आप यूज कर सकते हो। तो ये विटामिन ए डी का ये अच्छा सोर्स है। और ये ब्राउन लीवर ऑयल है ये जो स्पॉयल हो जाती हैं फिशेस उनसे ऑप्टेन किया जाता है, और उसके ठीक है। तो जो फिशेस खराब हो जाती हैं उस वाले, या जो बासी फिशेस होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उससे ब्राउन लीवर ऑयल ऑप्टेन किया जाता है। और ये मेडिकल पर्पज से इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉट यूज मेडिकली, मेडिकली आप इसको यूज नहीं करते हो, ठीक है। तो ये तरीके से आपका फिश का लीवर ऑयल है तीन तरीके का, एक हो गया पेल कोड लीवर ऑयल, लाइट ब्राउन, और थर्ड है ब्राउन लीवर ऑयल। अब फिश में जो ऑयल है ये इसका कंपोजिशन कौन कौन सा है, मतलब कि केमिकली इसमें देखा जाता है कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो फर्स्ट है फैट, सेकेंड है प्रोटीन, उसके बाद से वाटर, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, आयोडीन, ये इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो कंपोनेंट हैं ऑयल के वो हैं। और साथ में विटामिन ए डी ई ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके अब फैट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर इसके बाद से प्रोटीन है, फिर वाटर है, फिर कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो फैट आपका इसमें 55% से लेकर 75% तक पाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो प्रोटीन है 5 से लेकर 10% तक पाया जाता है, वाटर 20% से कुछ 30% तक पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी है तो वो भी 0.46% पाया जाता है। तो इस तरीके से इन सब का अलग अलग कंसंट्रेशन है फिश के ऑयल में। ये तो हो गया फिश का लीवर ऑयल, डायरेक्टली लीवर से बस ऑप्टेन किया जाता है। अब जो सेकेंड है फिश बॉडी ऑयल, तो जो फिश बॉडी ऑयल है ये ऑप्टेन किया जाता है, मतलब कि
ऑब्टेन किया जाता है इंटायर बॉडी पार्ट से, पूरी बॉडी पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम नॉन एडिबल फिशेस। जो फिशेस खाई नहीं जाती उसकी बॉडी पार्ट का यूज किया जाता है क्या ऑयल ऑब्टेन करने में, फ्रॉम द वेस्ट डिस्कार्डेड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। कभी कभी जैसे कि आप फिश, कोई फिशेस फिश होंगी जो खाई नहीं जा सकती, और कुछ फिशेस हैं जैसे कि उसका कुछ बॉडी पोर्शन खा लिया जाता है और कुछ बॉडी पोर्शन डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो वो वाली चीज़ें आप यूज करते हो बॉडी ऑयल के लिए, ऑयल निकालने के लिए। तो ये भी पुअर इन, जो फिश बॉडी ऑयल है पुअर इन विटामिन ए एंड डी, हाई कंटेंट ऑफ आयोडीन, इसमें आयोडीन का कंटेंट हाई होता है। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लॉन्ड्री सोप, यहाँ पर तो जो लीवर ऑयल था मेडिकल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो ये है क्या चीज़, बॉडी ऑयल है, इसका यूज होता है लॉन्ड्री सोप बनाने में, साबुन बनाने में, पेंट का बनाने में, पेंट बनाने में, कॉस्मेटिक्स, इंक्स, लुब्रिकेंट और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज होता है बॉडी ऑयल का। अगला जो हमारा बाय प्रोडक्ट है वो है फिश मील, यानी यहाँ पे फिश मील में ये कैटल के लिए जो फूड ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि फिश मील में फूड, फूड फॉर कैटल भी यहाँ पे लिख सकते हो, फूड फॉर कैटल्स, ठीक है। तो ये प्रिपेयर किया जाता है वेस्ट फिशेस जो लेफ्ट बचती हैं, जो बचती हैं आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, ऑयल निकालने के बाद से जो बचा खुचा रहता है, ठीक है, उससे ऑप्टेन उससे बनाया जाता है फिश मील। आल्सो प्रिपेयर फ्रॉम नॉन एडेबल फिशेस, जो फिशेस आप खा नहीं सकते हो उससे भी बनाया जाता है। फिशेस आर फर्स्ट चॉप, फिर उसके बाद से बॉयल किया जाता है, उसमें से ऑयल निकाल लिया गया, और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, जो बचा है उसको कवर कर देते हैं किसी कैनवास से और उसको प्रेस कर देते हैं एक केक के फॉर्म में, और फिर उसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं। फिर मन करता है तो उसको क्या करेंगे, फिर से उसमें से ऑयल निकालेंगे और फिर से सुखा देंगे। तो इस तरीके से जो सूख जाता है लास्ट में, जो सूख जाता है उसी को एक मील की तरह यूज करते हैं। तो इसमें जो फिशेस होती हैं सार्डिन, मैक्रेल, सार, रे, इन सब का यूज होता है फिश मील बनाने में। इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है, जैसे कि उसमें था केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन है, फैट है, मिनरल है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, ठीक है। और इसमें तो जो फिश जो मिला है फिश मील, ये भी सोर्स है किसका, फैट का, और फैट का कह रही हूँ, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स का अच्छा सोर्स है, विटामिन ए डी के का, और फैट सॉल्युबल विटामिन का, और जो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन का सोर्स है बी एंड बी टू, बी ट्वेल्व का। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन का सोर्स है, विटामिन यहाँ पे लिख लेते हैं, विटामिन का सोर्स है जो है बी वन एंड बी ट्वेल्व एंड ए डी के का भी सोर्स है फिश मील, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है, किसके लिए होता है, तो पिग के लिए, पिग के खाने के लिए, जो मुर्गी फॉर्म में यूज होता है, कभी कभी कैटल को खाने के लिए भी ये दिया जाता है, और ह्यूमन के खाने के लिए बनाने के लिए इसको फिश मील का क्या करते हैं, जो ये ड्राइड फॉर्म में निकला है केक के फॉर्म में, उसको पाउडर के फॉर्म में बनाकर फिर उसमें कोई आटा मिला देते हैं, फ्लोर मिला देते हैं, और उसको यूज करते हैं अपने ह्यूमन के कंजप्शन के यूज के लिए। अब अगला बाय प्रोडक्ट, तो जो अगला बाय प्रोडक्ट है फिश मैन्योर, थर्ड फिश मैन्योर, फोर्थ इसी क्लास, और फिफ्थ है फिश ग्लू, ठीक है। और बहुत सारे बाय प्रोडक्ट हैं, तो इसमें से कुछ हम लोग चुनिंदा पढ़ रहे हैं। तो फिश मैन्योर क्या है, अनफिट फिशेस फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो फिशेज अनफिट हो जाती हैं फिश ह्यूमन के कंजप्शन के लिए, जैसे कि आप बहुत पुरानी फिश रख दियो, पुरानी खराब हो गई है, स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, तो आप उसको क्या करते हो, मैन्योर के रूप में यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है और बहुत ज़्यादा फॉस्फेट है, तो बहुत बढ़िया सोर्स है, इसलिए आप इसको फर्टिलाइजर के यूज रूप में यूज कर पाते हो। किस किस प्लांट में, कॉफ़ी में, टी में, टबाको में, रबर प्लांटेशन में, और बहुत अच्छे तरीके से आप मैन्योर के रूप में यूज कर पाते हो इसको। तो इस तरीके से फिशेस भी मैन्योर के रूप में यूज होती हैं, जो स्पॉइल फिशेस होती हैं, खराब फिश होती हैं, आप उसको यूज करते हो। इसिन ग्लास क्या है, इसे पिछली बार क्वेश्चन आया था इसिन ग्लास का दो नंबर में, तो चलिए देखते हैं क्या है। ये एक कोलेजन है प्रोड्यूस फ्रॉम द एयर ब्लडर, एयर ब्लडर आप लोग पढ़ चुके हो, टॉपिक इस पर बना, वीडियो बना हुआ है, तो आप अगर जो नहीं देखा जाके देख सकता है। तो जो कोलेजन है प्रोड्यूस फ्रॉम द एयर ब्लडर ऑफ ए कैट फिश, कार्प एंड कोड एक्सेट्रा, बहुत सारे फिशेस होती हैं, तो उसमें जो एयर ब्लडर पाया जाता है या स्विम ब्लडर जिसे कहते हैं, उसमें कोलेजन नाम का चीज़ है, एक एक्स्ट्रा एडवांस टाइप का कोलेजन है उसमें,
जो एक जिसको एक साइनिंग तरीके का सब्सटेंस है, ठीक है, इट फॉर्म साइनिंग पाउडर, अगर उसको साइनिंग पाउडर के रूप में इसको बना सकते हैं, तो सबसे पहले क्या कहाँ पे रहता है ये? एयर ब्लडर में, किन फिशेस में? कैट फिश में, कार्प में और कोड में। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसको ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले एयर ब्लडर को वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ताकि उसमें से रिमूव करें ब्लड को और अदर जो मैटर्स हैं उसको रिमूव कर लिया जाए। रिमेनिंग इनर मोस्ट लेयर कंटेन प्योर इसिन ग्लास, तो जो अंदर का जो लेयर है वो उसमें इसिन ग्लास होता है, जिसे डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो ये बन जाएगा क्या चीज़, जेलाटीन बन जाता है। क्या बन जाता है? जेलाटीन। और जेलाटीन के पास कैसी प्रॉपर्टी है? एडहेसिव प्रॉपर्टी, चिपकने की प्रॉपर्टी है, तो एडहेसिव प्रॉपर्टी है इसके पास, ठीक है। तो जो इसिन ग्लास है मेनली कहाँ पे यूज होता है? तो ये यूज होता है क्लेरिफिकेशन ऑफ वाइन्स, वाइन्स के क्लेरिफिकेशन में, और बियर्स के, विनेगर्स के क्लेरिफिकेशन में ये यूज होता है। कौन? इसिन ग्लास, विनेगर्स, आप तो ऐसे लिख सकते हो विनेगर्स। तो 2 नंबर में आपको इतना लिखना इनफ होगा। उसके बाद से जो फिश ग्लू, लास्ट जो पॉइंट हमारा फिश ग्लू है, तो एक तरीके का एक स्टिकी सब्सटेंस है, प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट वेस्ट, अलग अलग जो वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं फिश से, जैसे कि उसका बोन है, स्केल है, फिन है, जो आप लोग नहीं खाते हो उसको फेंक देते हो, तो उससे क्या बनाया जाता है? फिश ग्लू बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है ये, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले वॉश किया जाता है, ग्राइंड कर लिया जाता है, कुक किया जाता है एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ कुक किया जाता है, किसमें? स्टीम में, यानी भाप में कुक किया जाता है। फिर उसके बाद से लिक्विड को सेपरेट कर लिया जाता है और उसको कंडेंस किया जाता है टू फॉर्म फिश ग्लू। फिश ग्लू बनाने के लिए उसको लिक्विड को क्या कर लिया जाता है? कंडेंस कर लिया जाता है। और जो ग्लू ऑब्टेंड हुआ है उसको आप अलग अलग चीज़ें चिपकाने के लिए यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया एडहेसिव का काम करता है, ग्लू का काम करता है। जैसे पेपर को चिपकाना हो, वुड को चिपकाना हो, तो आप ऐसे यूज कर पाते हो। अब जो एक और पॉइंट आप देख लो यहाँ पे, कि फिश के चमड़ी को यूज करते हैं, लेदर को, जो स्किन को यूज करते हैं, तो कुछ फिशेस के जो स्किन है यूज होते हैं हेलमेट बनाने के लिए, कुछ फिशेस की जो स्किन है वो यूज होते हैं क्या चीज, शूज बनाने के लिए, लेडीज के पर्स बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए। तो इस तरीके से फिश की जो चमड़ी है उसका भी यूज किया जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट।